अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल्स, वेरियस टेम्परेचर स्केल्स, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जो हमारा थर्मोमीटर होता है बेसिकली तीन यूनिट को फॉलो करके टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये भी मैं बताऊंगा। जो टेम्परेचर मेजर करता है थर्मोमीटर बेसिकली तीन यूनिट को फॉलो करता है। यूनिट कौन कौन से आई जानते हैं? जो सबसे पहला यूनिट है वो क्या है? हमारा केल्विन है, इसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो तीसरा यूनिट है कौन सा है? जो तीसरा यूनिट है हमारा वो है डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। यानी तीन बेसिक स्केल्स का यूज करता है, टेम्परेचर स्केल का यूज करता है थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिग्री मत लगाना आप लोग, ये थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब मेरे चैनल पे आए तो पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, भौकाल है इनका, समझ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो केल्विन जो होता है SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या होता है? SI यूनिट होता है, ठीक है। अब जो डिग्री सेल्सियस है इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, अधिकतर हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं जनरल लाइफ में, सबसे ज्यादा यूज हम किसका करते हैं? डिग्री सेल्सियस का हम यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ भाई बोलते हैं, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, अब जान लो। यानी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना लेते हैं सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं। अब जो ये वाले हैं इनका यूज करते हैं क्लिनिकल यूज में करते हैं, क्लिनिकल यूज, यानी जो डॉक्टर साहब होते हैं डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। बचपन में हम लोग को बुखार होता था तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते थे, क्या कहते हैं डिग्री फॉरेनहाइट में हमें टेम्परेचर बताते थे, ठीक है। हम लोग क्या समझते थे, अरे भाई बोलते थे ना कि 104 डिग्री बुखार है, हाँ तो हम लोग कहते 104 डिग्री बुखार है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता था। 100 डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर बॉयल होता है, हम समझते थे यार कि 104 डिग्री बुखार हो गई, हम तो बॉयल होने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है भाई। ये क्या है? डिग्री फॉरेनहाइट में होता है ये, ठीक। अभी उसको हम क्लियर करेंगे क्या रिलेशन है, कैसे क्या चीज़ है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में, कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच को हम जान लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन हम लोग केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में जान ले तो क्या होगा, जो इनके बीच में रिलेशन है क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू के, इनके बीच में क्या है ये रिलेशन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में देगा और बोलेगा किसको केल्विन में चेंज करके बताओ, क्या बोलेगा? डिग्री सेल्सियस में देगा और बोलेगा केल्विन में चेंज करके बताओ, तो कर लोगे आप लोग? हाँ भाई कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे हम, है ना। देखो मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, सीधे क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे के, यानी कितना मिल जाएगा 273 के मिल जाएगा। अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हमें केल्विन में फाइंड आउट करना है, केल्विन में वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 283 केल्विन हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ 273 में ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस को, हमारा केल्विन में निकल के आ जाएगा। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जो दूसरा रिलेशन है हमारा डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में, ठीक है, इसका जो रिलेशन है 9.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32, ये किसका रिलेशन है, फॉरेनहाइट का रिलेशन है। 9.5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट। अब देखिए क्या करना है, हम लोग अभी मैं बता रहा था ना कि जब बुखार होता था तो घर वाले बोलते थे तुम्हें पता है 104 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है, हम लोग कहते हैं वाह 104 डिग्री बुखार, लेकिन डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है भाई, वो फॉरेनहाइट में होता है, आज पता चला ना आप लोगों को, नहीं कई लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे बहुत तेज हैं, कोई बात नहीं। चलो अब देखिए, अगर यहाँ से अगर मान लो डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करना है, मान लो कि एग्जाम में देता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर देखें बॉडी का तो कितना होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, इतना होता है, क्लियर हो रहा है। अब देखो
समझो एक चीज को, क्या मैं बता रहा था, अगर आपको दिया है कि 40 डिग्री सेल्सियस दिया हो, उसको फॉरेन हाइट में चेंज करो, फॉरेन हाइट में कैसे चेंज होगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है 9/5 डिग्री सेल्सियस रख दो यहाँ पे, यानी 40 + 32 = डिग्री फॉरेन हाइट, क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 9 × 8 = 72 भाई, हिंदी वाले जान लो कितना हो जाएगा, ये डिग्री फॉरेन हाइट हो जाएगा, 70 × 100 कितना हो जाएगा 104 डिग्री फॉरेन हाइट, यानी 104 डिग्री हमारा बुखार होता था, डिग्री फॉरेन हाइट होता था, और सेल्सियस में बात करें सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा, तो हम लोग क्या फीवर मारा है, तो मान लो हमें फीवर हो गया है, यानी कि 104 डिग्री फॉरेन हाइट में हुआ, ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और क्या क्या चीज़ पढ़ना है हमें। अब मैटर हमने पढ़ा था, अब उसके स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, जो मैटर का स्टेट अभी मैंने बताया सॉलिड लिक्विड गैस बेसिकली क्लास 9th के हिसाब से, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है मैटर को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।